उनका बेटा और उनका पोता भी दोनों ने उन्हें मारा और उसके बाद उनको घर से निकाल दिया। जिस माँ ने उसी बच्चे को पढ़ाया लिखाया और उस बच्चे के दिल में जरा सा भी रहम नहीं कि अपनी माँ को मार करके और घर से बाहर निकाल दिया। माताएं मुझे फटे पुराने कपड़ों में मिलती थी, बदबू आ रही है शरीर से, कीड़े पड़े हैं, पैर सड़ गया, हाथ सड़ गया। सबसे बड़ी बात कि भूखी प्यासी, उसी रोड से हजारों लोग आ जा रहे हैं पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं जो सड़कों पर दम तोड़ते हैं। गुरु विश्राम वृद्धाश्रम की स्थापना 2003 में किया। पिछले 20 वर्षों में हम लोग लगभग 10,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को सड़क से उठाकर लाए हैं, इमीडिएटली उनकी जान बचाते हैं, उनको नहलाते हैं, कपड़े बदलते हैं। मैं तो अपने माँ बाप की तरह इनकी 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। हमें एक ही चीज़ चाहिए कि चेहरे पर आंसू हट जाएं और मुस्कराहट आ जाए। तो संख्या चूँकि बढ़ती जा रही है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने और दवाइयों की। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग इन माता पिता की मदद करें और उनके जीवन को सुखी बनाएं।